संभालेंगे। नीतीश कुमार जी का अपना खुद का जो बच्चा है उनका कुछ पता ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो जो अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी बीबी को नहीं संभाल पा रहे, वो बिहार क्या संभालेंगे। छात्रों की बात आई, रोजगार की बात आई, तो अभी तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे युवाओं को, लेकिन आप तेजस्वी यादव जी को इग्नोर करते हुए, चिराग पासवान जी को इग्नोर करते हुए, उपेंद्र कुशवाहा जी को ही क्यों पसंद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस। अभी हम कोचस में मौजूद हैं, रोहतास जिला के कोचस में मौजूद हैं, और यहाँ पर बिहार के एक चर्चित छात्र नेता से मेरी मुलाकात हो गई है, जो कि पहले चिराग पासवान से भी मिले थे, लेकिन अभी उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी के साथ ये जाने वाले हैं। क्या कुछ इनका मुद्दा है, क्या मामला है, किस प्रकार से और किस डेट को ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाने वाले हैं, इनसे विशेष जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर परिचय दे दीजिए नए दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद युवराज जी। विराट सिंह कुशवाहा हमारा नाम पड़ेगा, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जी, और छात्रों के हक के लिए नौजवानों के आवाज़ों को हमेशा उठाने का काम कर रहे हैं जी। और देखिए, पार्टियां आती जाती रहती है, लेकिन अपना विचारधारा समाज में एक समान होना चाहिए। समाज के छात्र नौजवानों का भविष्य आज जिस प्रकार से अंधकार में है, उस भविष्य को बेहतर दिशा में ले जाना होगा तो बिहार के समस्त छात्र नौजवानों को गुलमंद होना होगा। चूँकि जिस प्रकार से आज बिहार के छात्रों का भविष्य अंधकार में है, चाहे वो केंद्र सरकार के गलत नियम और गलत नीति के कारण आज जिस प्रकार से बिहार के साथ साथ पूरे देश के बच्चों का भविष्य खराब है, तो इस पे चर्चा होनी चाहिए। इसका सुधार कैसे होगा, इस पे समीक्षा करना चाहिए। रहा बात उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जाने का, तो इससे पहले भी चिराग पासवान जी से भी मिले, पृथ्वी कुमार माली जी से भी मिले, और बीच में भी राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से भी हमारा मुलाकात हुआ, और डेट अभी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही हम उनके साथ जुड़ने का काम करेंगे और मजबूती से काम करने का काम करेंगे। चूँकि उपेंद्र कुशवाहा जी एक ऐसे लीडर हैं, हमारी नज़र में एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने सड़क से सदन का सफ़र देखा जी। सड़क पे छात्र नौजवानों के हक के लिए आवाज़ उठाया जी। सड़क पे छात्र नौजवानों के हक के लिए लाठियां खाई जी। तो हम लोग ऐसे नेता के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे जी। तो मेरा मानना है कि हम लोग उनके साथ महफूज रहेंगे, बिहार के सभी समाज के छात्र नौजवान उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेगा और बिहार को एक बेहतर दिशा देने का काम करेगा। देखिए, बात जब छात्र नौजवानों की आती है तो सबसे बड़ी बात उभर करके सामने आती है कि चिराग पासवान जी, जो कि एक युवा भी हैं और छात्र भी हैं, तो बेहतर तरीके से छात्रों और युवाओं की बातों को लोगों के सामने ला सकते हैं या फिर छात्र नौजवानों के लिए लड़ सकते हैं। तो अभी आपने उपेंद्र कुशवाहा जी को ही क्यों चुना? चिराग पासवान जी हमारे आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, उनसे हमारा शिष्टाचार मुलाकात हुआ है। पार्टी में मैंने कोई ऐसा पद नहीं लिया था, केवल शिष्टाचार मुलाकात हुआ था। भैया बोले थे कि जिस दिन भैया से मिले तो चिराग भैया बोले कि विराट कुशवाहा आपको पार्टी से जोड़ा जाएगा, बोलिए कौन सा पद पे रह के काम करना चाहते हैं आप जी। तो मैंने बोला कि ठीक है भैया, हम आपको इन्फॉर्मेशन करने का काम करेंगे। लेकिन उस समय माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपना पार्टी विलय कर चुके थे जी। पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी का बना, थोड़ा लेट हुआ, लेकिन उनके साथ जाना पसंद करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जाना पसंद करते हैं। और पद मेरे लिए मायने नहीं रखता है जी। काम से अपना पहचान बनाना चाहिए। नीतीश कुमार जी विगत 18 साल से बिहार के सत्ता पे काबिज हैं, लेकिन 5 साल छोड़ दिया जाए, 5 साल नो डाउट परफेक्ट काम किया उन्होंने। 5 साल के बाद नीतीश कुमार जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पूरी तरह से बिहार से चौपट है। आप बाढ़ पे काबू नहीं कर सकते हैं, आप चिमकी बुखार पे काबू नहीं कर सकते हैं, आप युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते हैं, तो इतने बड़े आदित्य राज के मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं नीतीश कुमार जी। और एक और बात है, हम बिहार के छात्र नौजवान हैं, हम बिहार के युवा हैं, हम पैदा बिहार में लिए, जन्म बिहार में लिए, शिक्षा टूटी फूटी शिक्षा बिहार में ग्रहण की, सबको पता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था क्या है। अपना अमूल्य वोट बैंक भी बिहार में दिए हम, तो रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम बिहार से बाहर क्यों जाए। आज जिस प्रकार से बिहार से बाहर जो रोजगार के लिए बिहार के युवा जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं जी। ये लोग पूरी तरह से साठ गांठ वाली सरकार है, बिहार के बच्चों के भविष्य से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। नीतीश कुमार जी का अपना खुद का जो बच्चा है उनका कुछ पता ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो जो अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी बीबी को नहीं संभाल पा रहे, वो बिहार क्या संभाल। नीतीश देखिए, बिहार के सत्ता पे जब तक युवा लोग काबिज नहीं होगा,
युवा लोग का बीज नहीं होगा। जो युवाओं के हक के लिए ना लड़ेगा वो हम मेरे हिसाब से बेहतर बिहार कभी नहीं बन सकता है। हमारा बिहार किसी भी राज्य का डेवलपमेंट एक बढ़िया शिक्षा, एक बढ़िया स्वास्थ्य और एक बढ़िया सड़क परिवहन पे डिपेंड करता है, एक बढ़िया बैंकिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन आज बिहार से ये लोग कोसों कोस दूर है। डोमिसाइल नीति लागू किया गया जी। मेरे हिसाब से जो बिहार के शिक्षक हैं जी, आप लोग ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करते हैं जी। बिहार के शिक्षक नो डाउट परफेक्ट काम करते हैं, लेकिन उन लोगों को भत्ता के नाम पे, वेतन के नाम पे लाठी और डंडे बरसाया जाता है जी। शिक्षकों से आप जातीय जनगणना कराइएगा, मिड डे मील बच्चों को कैसे दिया जाए, पुस्तक वितरण कैसे कराया जाए, उसके बाद ड्रेस वितरण कैसे कराया जाए, तो कहीं ना कहीं बिहार के टीचरों को पूरी तरह से बांधने का काम किया जा रहा है। ये पूरी तरह से नियम नीतीश कुमार जी का फेलियर है। नीतीश कुमार जी से सत्ता संभल नहीं पा रहा है। हम कुशवाहा समाज का जिस प्रकार से आज दिन प्रतिदिन हत्या हो रहा है कुशवाहा समाज के लोगों का, कुशवाहा समाज के जनप्रतिनिधियों का, कहाँ है नीतीश कुमार जी? लौकुश समीकरण जिस प्रकार से लगा, लौ तो सत्ता का मलाई चाट रहा है लेकिन कुश केवल खून बहा रहा है। क्या यही लौकुश समीकरण है भाई? आज विगत 18 साल से कुशवाहा समाज के लोगों ने नीतीश कुमार को सराखों पर बैठाने का काम किया है। यही नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को भी धोखा देने का काम किया जी। तो कहीं ना कहीं अब कुशवाहा समाज जागरूक हो गया है। हमारा समाज उसी के साथ जाएगा जो शिक्षा का बात करेगा, जो स्वास्थ्य का बात करेगा, जो हम युवा लोगों के लिए, जो हम छात्र लोगों के लिए सड़क पे संघर्ष करने का काम करेगा, उसके साथ कुशवाहा समाज का छात्र नौजवान जाएगा और बिहार का समस्त युवा वर्ग जाएगा। और ये काबिलियत माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी में है और हम लोग दिखा देंगे कि कुशवाहा समाज के छात्र नौजवान और बिहार के छात्र नौजवान सत्ता परिवर्तन कैसे करता है। देखिए, जब छात्रों की बात आई, रोजगार की बात आई, तभी तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे युवाओं को। लेकिन अब तेजस्वी यादव जी को इग्नोर करते हुए, चिराग पासवान जी को इग्नोर करते हुए उपेंद्र कुशवाहा जी को ही क्यों पसंद कर रहे हैं? देखिए, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है जी। उपेंद्र कुशवाहा जी जो चिमकी बुखार में जी, बच्चा लोग तड़प तड़प के जो मारा, उस वहाँ से पैदल मार्च किए, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ सबसे पहला आवाज़ किसी ने उठाया तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने उठाया जी। यहाँ तक कि एक स्कूल के लिए धरना प्रदर्शन देने का काम किए, शिक्षा के लिए, शिक्षा सुधार के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने बड़ा कदम उठाने का काम किया है। तो हम लोग युवा हैं, युवाओं को एक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए, तो हम लोग ऐसे नेता को चुनने का काम करेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने का काम करेगा। अभी तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चाभी नीतीश कुमार जी के हाथ में है जी। मुख्यमंत्री नहीं है नीतीश कुमार जी, पलटू राम है, वो कभी भी किसी के साथ जा सकते हैं। इसको हम लोग अनदेखा नहीं करेंगे। केवल अभी 60-60 वाली सरकार है, अपना कुर्सी बचा रहा है, लोग सत्ता से, सत्ता पे काबिज है, सत्ता का उल्लंघन करने का काम कर रहा है। बिहार के बच्चों का भविष्य अंधकार में जाए, इससे नीतीश कुमार जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस तो आखिर में आप निवेदन क्या करना चाहेंगे, आप जैसे बहुत सारे छात्र नौजवान जो इस कैमरे के माध्यम से आपको देख पा रहे होंगे? अरे, युवा एक बहाव है, युवा एक सोच है, निवेदन नहीं करेंगे, जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे नीतीश कुमार जी को? अरे, हम लोग कुशवाहा है जी, कुशवाहा है, माटी को छेद कर उसमें बीज बोकर हम लोग फल उगा देते हैं। तो नीतीश कुमार जी किस खेत के गाजर और मूली है? नीतीश कुमार जी ने केवल सत्ता का दोहन करने का काम किया है और अगला मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी बनेंगे। तो आप दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को उखाड़ के फेंक देंगे? बिल्कुल दावा कर रहे हैं भाई, 12% जनसंख्या हम लोग गेन करते हैं बिहार में। आप कहाँ, किस भ्रम में पड़े हुए हैं? और तमाम युवा जो कुछ, जो भी ऐसे आवाज उठाने का काम करते हैं, अंत में उनको मारा जाता है, आपको इस तरह से कुछ डर नहीं लग रहा है? हम मारेंगे तो मेरे साथ सैकड़ों बच्चा और खड़ा हो जाएंगे। इससे पहले जब लॉकडाउन लगा था, बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड में लॉकडाउन लगा था, उस समय सड़क नहीं था जी। सड़क नहीं था, आज़ादी के 70 साल बाद भी सड़क नहीं है। वहाँ की जो महिला का डिलीवरी का जब समय था तो महिला को खाट पर लेकर जाया जा रहा था। सोचिए कितना अचरज का बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद जब महिलाओं को खाट पर ले जाया जा रहा है, महिला बीमार है तो खाट पर ले जाया जा रहा है, इतना पानी था। वहाँ पे हमने हेल कर प्रदर्शन करने का काम किया है, जमीनी स्तर से लोगों पर मिलते हैं। और हम लोग डरने वाले नहीं है किसी से जी। डरने वाले नहीं, कब तक डरेंगे भाई? बिहार अगर विकसित बनेगा, बिहार में शिक्षा रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, रोजगार रहेगा, तो हम लोग भी गर्व से कहेंगे कि नहीं, हम लोग बिहारी हैं। और बिहार में भी देख लीजिए कि बिहार में भी फैक्ट्रियाँ लगाया जा सकता है, बिहार में भी कंपनियाँ निवेश कराया जा सकता है, बिहार में भी बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर रोजगार दिलाया जा सकता है। तो इसके विषय में काम करें हम लोग। डरा कर आप हमारे आवाज़ों को दबा सकते हैं? ये सरासर बेबुनियाद बात है।
समाज में रहना है, क्षेत्र में रहना है, लोगों के बीच रहना है, तो खौफ के साथ क्यों जिंदगी जिए हम। अच्छा, किस डेट को आप ज्वाइन कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी, अभी आपने खुलासा नहीं किया? समय निर्धारित कर देंगे, और समय जब निर्धारित करेंगे तो आप लोगों को जरूर सूचना देंगे, पता चलेगा, आप लोगों को भी जरूर न्योता देंगे, आप लोग भी उपस्थित होइएगा उस समय पे। अच्छा, एक और बात बताइए कि सीमा कुशवाहा जी ने सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा जी पर टिप्पणी किया है, काफ़ी निंदनीय टिप्पणी है, उस पर आपका क्या विचार है? कौन सीमा कुशवाहा? सीमा कुशवाहा को आप नहीं जानते हैं? सीमा कुशवाहा गोपालगंज की, वो जो पूर्व मुखिया थी। आप सीमा कुशवाहा को नहीं जानते? आप रोहतास जिला में रहते हैं, सीमा कुशवाहा को नहीं जानते हैं? अच्छा, पूर्व जिला परिषद सीमा कुशवाहा। पूर्व जिला परिषद। अच्छा अच्छा, नहीं तो अभी हम देखे नहीं हैं, लेकिन कल सुनने में आया था कि अभद्र टिप्पणी हुआ है जी। तो ये दर्शाता है कि अभी राजनीति में जुमा 5 दिन हुआ है और समाज के प्रखर लीडरों के खिलाफ ऐसा बयानबाजी अशोभनीय है, निंदनीय है, और इसका सुधार करें। राजनीति में नीति नियम और नैतिकता होना चाहिए, तभी आप समाज में जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं जी। बाकी मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, सबका अपना अपना मानसिकता है। चलिए, धन्यवाद। ये बिहार के एक चर्चित युवा थे जो कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और अपनी राय बताएं कि किस प्रकार से बिहार में जो राजनीति हो रही है युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, सड़क पर युवा और छात्र किस प्रकार से रोते बिलखते हुए और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार किस प्रकार से उन पर लाठी बरसा रही है, उसका ये जीता जाता उदाहरण देने का प्रयास कर रहे थे। मैं बाकी आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया कोचस से, बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलेगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। जय हिंद।